नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा स्टेट त्रिपुरा राजा महाराजाओं और खूबसूरत महलों के लिए मशहूर है। आबादी हो या एरिया, हर लिहाज से ये एक छोटा स्टेट है, लेकिन कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। यहाँ से निकली एक शख्सियत ने रातों रात त्रिपुरा को इंटरनेशनल मैप पर ला दिया। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे जिन्होंने त्रिपुरा की पहचान और तस्वीर ही बदल के रखी। हेलो, हाय दीपा, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या प्रैंकस्टर है आप, मुझे डरा दिया आपने। हाँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसे करना। करती रहती हैं ऐसे? हाँ, ऐसे किसके साथ? घर पे या अपने? घर पे दीदी के साथ, सर के साथ कभी। हाँ, करती है। अच्छा, यहाँ पर हम आए हैं आपके स्टेडियम में, ये तो आपके लिए एक मंदिर की तरह होगा ना? राइट। कितने घंटे बिताती हैं आप यहाँ पे? पूरे मतलब दिन के 8-8.5 घंटा में यहाँ पे बिताती हूँ। 8-8.5 घंटा? हाँ, 8-8.5 घंटा। तो अपने लिए टाइम मिलता है आपको? मेरा टाइम तो यहाँ पे ही देना है, क्योंकि मुझे यही जगह सबसे अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करने में। अगरतला से ओलंपिक, ये सफर कैसा रहा है? अगरतला से रिहो का सफर तो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतना बड़ा है कि मैं जितने स्टोरी बताऊंगी बहुत कम टाइम होगा मेरे लिए। 5-7 से हमेशा मेरी कोच, मेरे पापा, मेरी मम्मी, ज्यादा से ज्यादा पापा हमेशा बोलता था कि बेटा, एक तो तुम्हें इंटरनेशनल खेलना ही है, एक तुम्हें मतलब। लेकिन आपको कब हिट हुआ कि नहीं, मुझे जिमनास्टिक्स को बहुत सीरियसली लेना है? 2007 के बाद मेरा पहला कॉम्पिटिशन रहा वर्ल्ड चैंपियनशिप। फिर 2010 पे हमारी इंडिया में जिमनास्टिक्स में आशीष भैया ने मेडल लाया, तो उसके बाद आया कि नहीं, मेडल तो लाना ही है किसी भी हालत में। वैसे ही करके शुरुआत हुई। फाइनली 2014 कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो, 2015 एशियन चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियन, 2016 सबको बताए। वो मोमेंट क्या था आपके लिए जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी ओलंपिक्स में? देखिए, पहले तो ऐसा था कि आफ्टर 52 ईयर्स के बाद कोई ओलंपिक्स में जा रहे हैं, तो एक सबकी, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैं किसी को पूछूं भी नहीं जिमनास्टिक्स में क्या होते हैं क्या नहीं। मैं जब पहुंची मुझे अच्छा लगा, देखिए ठीक है नॉर्मली है। और फिर मैं फाइनली, क्योंकि मैं हमारा पहला टारगेट था हमें फाइनल पहुंचना, बस उसके बाद जो होगा होगा। तो मैं फाइनल जब पहुंची, एकदम लास्ट में 8th में क्वालिफाई किया जाके, फिर सर ने बोला अब तुम्हें जो करने है करके आओ, अभी ख़राब करोगे तो 8th में रहोगे, अच्छा करोगे तो उससे आगे आओगे। 2016 में सिमोन बाइल्स भी थी। हाँ, वहाँ पे बड़े बड़े नाम थे, तो क्या डर लगता है? डर तो देखिए, डर रखेंगे तो हमेशा लूजर ही होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जो सीख के गए वही करने, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे यूसेन बोल्ट, हम हमेशा नाम सुन के आए यूसेन बोल्ट, बाप रे यूसेन बोल्ट, तो जब सामने से देखते ऐसा लगते वो इतना ज़्यादा एकदम नॉर्मल इंसान, एकदम बहुत अच्छा लगता कि सच में आपने बात की। नहीं, वो इतना लंबा है, मैं तो इतने छोटे से उसके सामने हूँ, बट मैं देखा बहुत भीड़ है, बहुत, क्यों इतना भीड़ है, मैं तो छोटा से बीच में घुस के गई, देखा यूसेन बोल्ट, वाओ। तो फाइनली कट गई 7 डेज, बर्थडे भी चला गया वगैरह। जैसे ही फिनिश हुआ तो मेरा वर्ल्ड चेंज हुआ था। पहले मैं एक प्रोदोनोवा सेकंड में किया था, फर्स्ट में सर बोले आज तुम्हें जो करना है आज तुम्हारे लिए, बस फ्री हो गए। मैं अपना जो जितना बेस्ट देने की मतलब कोशिश किया मैंने, शायद उससे ज़्यादा उस दिन में ये हो सकता था। तो मैं जब फोर्थ फिनिश किया बहुत खुशी में, सर फाइनली मैं फोर्थ फिनिश किया। वो ऐसे जब मैं बाहर आई, सारे मीडिया थे, सारे सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुमने फोर्थ किया, पता है तुम्हें कितने पॉइंट से गया, सिर्फ ओनली 0.1 ऐसे 1.5 ऐसे करके। फिर जब घर ग्रूम गई, जब मैंने रिजल्ट देखा और मेरा आँख से ऐसे ही पानी धर धर धर, फिर मैं रोने लगी, फिर रोया इतना रोया, फिर सर बोले जाओ जाके आइसक्रीम खाओ, फिर मैं भाग के गई आइसक्रीम खाया, तो फिर मैं जाके फ्री हो गई। ठीक है, यही फील्ड है, कभी हार कभी जीत। एक पहलू तो हर कोई आपका जानता है कि ये भाई जिमनास्टिक्स में देश को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता है, अगर आप बताना चाहें हमें 5 थिंग्स जो कोई नहीं जानता आपके बारे में। मुझे खाना बहुत पसंद है। That's one. Second thing, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कभी कभी मैं इतना ज्यादा ठोक देती हूँ खुद को ही। Third चीज क्या पसंद है मुझे, मैं खुद ही भूल गई। सर के साथ हमेशा गुस्सा करते हैं, जब भी गुस्सा आते हैं सर को, कभी मैं ऐसे नाखून से भी कर देती हूँ। अच्छा, तब गुस्सा आ जाते, क्या करूँ समझ में नहीं आते, क्योंकि जब नहीं होते ट्रेनिंग अच्छे से तब ज्यादा। और
एफर्ट्स भी नहीं है कुछ। नंदी सर की क्या अहमियत है आपकी लाइफ? मेरी लाइफ में भगवान की जो होती है मेरी लाइफ में उनकी जगह वो है, क्योंकि शायद वो नहीं रहती आज ना दीपा कर्मकार यहाँ पे खड़ा होता, ना वो कभी भी इस फील्ड में आगे बढ़ता। मतलब मैं बता नहीं सकती वो उनकी मेरी लाइफ में उनकी वैल्यू कहाँ। विशेश्वर नंदी वाकई दीपा के लिए भगवान से कम नहीं है, पर दीपा कामयाबी की इस ऊंचाई पर पहुंच पाएगी इसकी उम्मीद उन्हें भी ना थी। प्राउड तो बहुत होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। फिर कभी कभी जब सोचता हूँ हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गया, तो ये जब सोचता हूँ बहुत प्राउड फील होता है। ये देश का दीपा है और मतलब अभी दुनिया में भी बहुत सारे, मतलब पूरा वर्ल्ड में भी उसने फेमस हो गया। प्रोदनोवा वर्ल्ड ओलंपिक में क्वालिफाई हो गया, फिर हमें विश्वास ही नहीं हो रहा हमने ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया। दीपा मेरे को एक चिमटी काटा, ऐसे कहते सर आप मेरे को एक चिमटी काट। मैंने कहा क्यों? कहते सचमुच हम ओलंपिक में पहुंच गया क्या? मैंने कहा बेटा हाँ पहुंच गया। कहते नहीं सर मेरे को एक चिमटी काटा, उसने मेरे को भी दिया मैंने भी दिया। कहते हाँ सर हम सचमुच ओलंपिक में पहुंच गया। वो थोड़ा सा खुश नजर आया। कंपटीशन में गया, पहला दिन क्वालिफाइंग कंपटीशन। मैंने कहा बेटा देख हमने ओलंपिक तक पहुंच के, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा इंडियन जिमनास्टिक के लिए, हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। तू फ्री माइंड हो जा, अभी कंपटीशन तेरा है, मैं कोई डांटूंगा नहीं। तो कंपटीशन में जाके कंपटीशन में देखा हमने फाइनल में आ गया, ये दूसरा मतलब खुशी मिला हमें बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते इतना टॉर्चर किया मैंने, तो उसने भी सेक्रीफाइस किया, इसीलिए आज इस जगह पे पहुंचा उसने। उसका जीत भी बहुत ज़्यादा थे। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास तीन लड़की थी, मैंने इन तीनों को लेकर ना मेरा गेम था कि 16 ओलंपिक का, मैंने देखता हूँ क्या होता है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर आया, मैंने कहा आप थोड़ा सा देखिए उनको, उनका फिजिक कैसा है। दीपा का फ्लैट फुटेड था, तो उन्होंने बता दिया, कहता है सर ऐसा ऐसा है, ये जो दो लड़की है उसका तो अच्छा बन सकते हैं और दीपा के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम जब NIS ट्रेनिंग किया पटियाला में, कोचिंग ट्रेनिंग ले रहा था, तब फ्लैट फुट से कार फुट में कैसे ले जाना है वो एक्सरसाइज बताया था। मैंने कहा बेटा तूने ना ये स्पेशल एक्सरसाइज करना है तो तेरा जंपिंग मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसका पेरेंट्स आया, कहता है नंदी तुमने क्या बता दिया, वो तो खाने के टाइम पढ़ने के टाइम वही एक्सरसाइज करते रहता है। मैं देख रहा हूँ उसने ना बहुत थक गया। मैंने कहा बेटा बास्केट तू थक गया, अभी चोट लग जाएगी, हमें पता होता है कितना कर सकती है, क्योंकि गुस्सा से बहुत कुछ होता भी है, फिर एक्सीडेंट होने का भी चांसेस रहता है। मैंने कहा बस 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 चलो चलो और नहीं कर सकते तो। कहता है नहीं मुझे और करना। मैंने कहा नहीं। तो उसने ना जोर से दीवार पे लात मारा, उसका जो एंकल का जो ये हड्डी ये फट गया था, मतलब चमड़ा फट गया था, खून निकल रहा है। तो ये जो जीत था उसका, ये जो गुस्सा था, ये तो जुनून था, मैंने उसको ऐसा ऐसा प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर। अब हम आपको मिलवाते हैं दीपा की पहली गुरु शोमा नंदी से, जो दीपा के मौजूदा कोच विश्वेश्वर नंदी की पत्नी है। उसके जीत बहुत था, इतना जिद्दी लड़की थी कि मतलब प्रैक्टिस उसको अगर आज सुबह प्रैक्टिस किया, शाम को सर ने मना किया नहीं शाम को नहीं आना, सुबह बहुत हो गया शाम को नहीं आया, फिर कल दोबारा आएंगे, नहीं शाम को भी आना, ऐसी जिद्दी लड़की मेरे पास आज भी इतना ऐसी जिद्दी लड़की नहीं मिली। उसके जो पार्सल था जो भी वो मेरे पास उसके पापा ने लेके आया था 1998 में, तो पहले दिन से जो वो आई थी बेसिक एक्सरसाइज में वो बहुत शांत थी। धीरे धीरे जब उसने जिम्नास्टिक शुरू किया, मतलब एक्सरसाइज भी करती थी जिम्नास्टिक की, बेसिक एक्सरसाइज भी करती थी, तो उसके अंदर एक ये देखा मैंने, वो बहुत जिद्दी थी। आज ये किया मैंने, वो मेरे को नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज करके ही जाऊंगी। और सीरियस भी थी, जो करती थी वो बिल्कुल ध्यान से, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये मैंने बचपन से उसको देखा। 2002 में इधर नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स हुआ था, ये ओपन चैम्पियनशिप होती थी पहले, तो उसमें उसके त्रिपुरा टीम में चांस मिल गया,
तो उसके बाद जब कंपटीशन हुआ बैलेंसिंग बीम में उसको गोल्ड मेडल मिल गया। तो एक दिन त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिल की जो सेक्रेटरी थी उन्होंने मेरे को बुलाया, उसको इतनी उम्र में 7 साल में उम्र में गोल्ड मेडल मिल गया नॉर्थ ईस्टर्न गेम्स में, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको NSRCC में ले जाए। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं भी चाहता हूँ एक जिमनास्ट ऊपर जाए, बहुत कुछ करे, उसको इंटरनेशनल मेडल मिले। मैंने बोला सर एक ही बात है, एक अच्छे हाथ में उसको देना। तो सर ने बोला तुम चिंता मत करो, मैं मिस्टर नंदी के पास दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं दीपा कर्मकार यहाँ से उठ के फिर ओलंपिक तक जाएगा। जिद्दी जज्बे, जोश और जुनून की कहानी है दीपा कर्माकर। इस मुकाम तक वो पहुंची हैं अपनी कड़ी मेहनत से, लेकिन संघर्ष से सफलता तक के सफर में उनके परिवार ने भी उनका खूब साथ निभाया। जो पहले स्टार्ट किया था और अभी जो यहाँ पे गया हो अभी तक, जैसे ओलंपिक में तक चला गया, तो पीछे देखने के बाद याद होता है बचपन का जो कैसे कैसे उसको करता था प्रैक्टिस। जिमनास्टिक उसको पता ही नहीं था। हमारे त्रिपुरा में बहुत सारे गेम है लेकिन हम लोग सब सारे मिल के बैठ के बोला नहीं उसको ऐसे ही गेम में डालो, जिमनास्टिक डालो अच्छा होगा, क्योंकि इसका इतना बचपन में इतना फर्स्ट था ना, बहुत चंचल था। और आप लोगों को तो पता ही रियो ओलंपिक में कोई मैं आज पे मैंने सोच भी नहीं सकता था इंडिया से जाके ओलंपिक में करेगा, वो भी फाइनल में उठेगा। मैंने सोचा था 50 साल पहले कोई गया था लेकिन फाइनल में नहीं गया। एक फ़ोन आया मेरे पास कलकत्ता से, बोला दादा तातारी टीवी खुलिए, अरे दीपा को तो मिल गया चांस। वही सुबह से जो हमारा घर में जो आने लगा लोग, हम लोग कुछ भी नहीं है उस टाइम में, पूरा हमारा गेट बंद था। गेट बोला दादा अरे दरवाज़ा तो तू जरा खुलिए, तो जाके दरवाज़ा खुला। उसके बाद एक के बाद से पूरा दिन शुरू हो गया। अरे दादा अभी खबर पेलम ऐसे हो गए, मे तो चेन्ज पे गे खूब भलो कत यह शुरू हलो रिपोर्टर आशा। तपर कि अपन के सारा भारतवर्ष जितना रिपोर्टर था मेरे को भी सोच भी नहीं था बेटी के लिए अभी सारे के सारे आ गया। मुझे तो बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है, मेरा छोटी बहन ऐसे पहुँच के गया, जैसे रोड में मैं चलती थी तो मुझे ऐसे कुछ लोग ऐसे बोलता था वो देखो दीपा का बड़े बहन जा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही प्राउड फील होगा, खूब भलो लगे। आज के सारा इंडिया ते दीपा के सबाई चीने, दीपा बोले सबाई चीने दीपा के, ये जनों खूब भालो लगे। मेडल लेके आया, फिर हम लोग दीदी ओलंपिक में भी क्वालिफाई कर लिया, तो हम लोग ऐसे मतलब दीदी ने ऐसा कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। दीपा दीदी नॉट एट ओलंपियन है बट वो खुद भी प्रैक्टिस करती है, हमें भी बहुत इंकरेज करती है, बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्पफुल। सपना तो है दीदी के तरह बनने का बट देखते दीदी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करती है तो सब चाहते कि दीदी जैसा बने, और दीदी भी हम लोग को बहुत एंकरेज करती है। दीदी ने बहुत मेहनत की है और सबका ही यही रहता है कि दीदी की तरह बनना, दीदी की तरह मेहनत करना, हमारी सर भी ऐसे बोलते हैं। दीदी का ओलंपिक सबने देखा तब सभी ने कहा करे ये ऐसा कर रही है, हम भी अपने बच्चों के इस गेम में डाल देते हैं। अब सब पेरेंट्स का यही एक सपना लेके आए कि सबको दीपा दी की तरह बनाए। टीचर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा, आपने तो देखा हमारा त्रिपुरा का अभी सब कुछ, हम जितना भी कोचेस है जो फैकल्टी है उस फैकल्टी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है।
हमारी इधर अभी बहुत कुछ है जिम्नास्टिक के लिए, पहले कुछ भी नहीं था, अभी बहुत कुछ है। तो हम सोचते हो और भी दीपा यहाँ से निकल गया। पूरे देशवासियों को बेशक आज दीपा कर्माकर की लगन और कड़ी मेहनत, साथ ही उनके कोच विशेश्वर नंदी के विजन पर गर्व है, पर त्रिपुरा को इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी पहचान दिलाने का कुछ श्रेय उस शख्स को भी जाता है जिन्होंने 60 के दशक में टेट मेमोरियल जिम्नास्टिक्स की शुरुआत की थी। दीपा के जो चैंपियनशिप उसके से लेके फिर ओलंपिक में गया है, इस टाइप की एटमोस्फेयर अभी नहीं है। 1965 से शुरू है और वो शुरू किया है स्वर्गीय दलीप सिंह जी। जिम्नास्टिक्स में जो सबसे बड़ा नाम है, जो अनफॉर्चुनेटली पूरे इंडिया को, मैं बहुत कम लोगों को जानकारी, वो एक दिलीप सिंह थे। फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स इंडिया में अगर किसी को कह सकते हैं, दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह ने वहाँ लड़कों को ट्रेन करना शुरू किया, जैसे नंदी जो दीपा के कोच है वो भी उनके मतलब शिष्य रहे हैं। दिलीप सिंह ने कई अपने स्टूडेंट्स को उस समय तराशा जो बाद में जाकर नेशनल लेवल पे उन्होंने काफ़ी धूम मचाई। इंटरनेशनल लेवल पे ऑफकोर्स दीपा कर्माकर सबका नाम सबसे आगे। हमारा जो गुरु जी है दिलीप सिंह सर, वो अभी उनका देहांत हो गया 1987 में। NIS कोच के आया था इधर, फिर स्टेप में तो पहले कोच का जॉब मिला इनको, इसके बाद जॉइंट डायरेक्टर तक उन्होंने पहुंच गया। बस एक्चुअली उन्होंने ही शुरू किया। अपनी ऐतिहासिक कामयाबी की बदौलत दीपा कर्माकर ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। दीपा की कामयाबी की कहानी का पॉजिटिव इम्पैक्ट त्रिपुरा के स्पोर्ट्स कल्चर पर भी साफ दिखता है। स्पोर्टिंग कल्चर तो ये जब किंगडम था इधर, तब से 100-150 साल पहले से ही यहाँ बिल्डअप हुआ है। खास करके फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, तो धीरे धीरे बाकी जो गेम है वो भी डेवलप करते गए। तो अभी सब गेम होता है, फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, सब होता है। खास करके यहाँ लोग त्रिपुरा को पहचानते हैं अभी जिम्नास्टिक्स से। जिम्नास्टिक्स के बहुत सारे चैंपियन बॉयज़ एंड गर्ल्स और बाद में मेंस वुमेंस दोनों सेक्शन में बहुत सारे चैंपियन हैं। और लास्ट जो दीपा कर्माकर ने कर दिया वो तो सब कुछ आ गया। देखिए हमारा स्टेट छोटा सा स्टेट है, ओनली 38 लाख पॉपुलेशन है। जो टाउन एरिया में जितना भी लोग रहते हैं, इनमें से 60-65% लोग स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं। अभी देखना आप शाम को, अगर इधर जितना भी स्कूल का मैदान है, हर मैदान में देखना बड़ा बढ़ाता है बच्चे तो इधर भी आ रहा है। तो इसमें क्या है, इससे मालूम होता है कि लोग स्पोर्ट्स में मतलब इंटरेस्ट हो रहा है। और दीपा के लिए तो हमारा जिम्नास्टिक और भी पॉपुलर हो गया, सिर्फ त्रिपुरा नहीं, अगरतला नहीं, इंडिया में पॉपुलर हो गया। त्रिपुरा में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर है, क्योंकि आपको यहाँ पे फुटबॉलर भी बहुत अच्छे इंटरनेशनल मिलेंगे, फिर क्रिकेट भी अच्छा चलता है, और एथलेटिक्स और एक टाइम स्विमिंग भी बहुत अच्छा था। त्रिपुरा में 60-70% कोई भी बच्चे कोई ना कोई स्पोर्ट्स में वो खेलते, कोई ना कोई स्पोर्ट, कोई जिम्नास्टिक्स हो, कोई क्रिकेट हो, कुछ भी हो, क्योंकि इतना छोटा स्टेट है और इतने ज़्यादा लोग खेलते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए शायद इतने टैलेंटेड बच्चे यहाँ से निकलते हैं। दीपा ने त्रिपुरा को वर्ल्ड फेमस कर दिया, लेकिन आमतौर पर त्रिपुरा में आपको एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कल्चर देखेगा। यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और उनमें से एक है क्रिकेट। यहाँ पर त्रिपुरा की अपनी रणजी टीम है और कुछ इंटरनेशनल स्टार्स भी यहाँ से निकले हैं। क्रिकेट में हम लोग वी आर पार्टिसिपेटिंग इन रणजी ट्रॉफीज एंड जूनियर, ऑल द जूनियर, वुमेन्स भी है अपना। बहुत सारे एक्स क्रिकेटर, इंडिया प्लेयर, टेस्ट प्लेयर भी खेल चुके हैं हमारी तरफ से, जैसे आशीष कपूर, फिर अजय रात्रा, ये सब बिग नेम, वंस अपॉन अ टाइम दे वर क्वाइट बिग इन इंडियन क्रिकेट। ये लोग खेल चुके हैं हमारे लिए प्रोफेशनल रणजी ट्रॉफी में। आने वाले दिनों में मैं बोल सकता हूँ कि अभी जो हमारी जो सीनियर टीम में जो यंगस्टर्स हैं, दे आर क्वाइट गुड एंड दे हैव अ क्वाइट बिग फ्यूचर, आई वुड से। विशाल घोष है, फिर मोरा सिंह है। अभी इस साल हमारे पास तन्मय मिश्रा बोल के एक लड़का है, जो ही प्लेड वर्ल्ड कप फॉर, ऑल्दो ही प्लेड फॉर केनिया, बट ही प्लेड इंटरनेशनल।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो थोड़ा सा ठीक ठाक से दिया जाए तो यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन या पर्सनैलिटीज का कमी नहीं है। और उदाहरण स्वरूप मैं कह सकता हूँ, दीपा कर्मकर को आप जानते हैं सब, ओलंपियड है, तो उसका जो जिस तरह उसको हमारा जो उसका जो कोच है जिस तरह उसको प्रैक्टिस कराया उसके कारण आप जानते हैं कितना सारा अवार्ड वो लिए हैं और हम लोग कहते हैं वो गोल्डन गर्ल ऑफ त्रिपुरा। सीनियर चैंपियन के बाद अब बात एक जूनियर चैंपियन की, ये है त्रिपुरा की चेस सेंसेशन अर्शिया दास। नौ साल से कम की उम्र में ही अर्शिया ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल की झड़ी लगा दी है। ...2019 में भी अगरतला की इस टैलेंटेड चेस प्लेयर ने उज्बेकिस्तान में हुए एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप में गोल्ड अपने नाम किया। मुझे चेस खेलना बहुत अच्छा लगती है और मैं 7 आवर्स चेस खेलती हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब मैं चेस शुरू की थी। मेरा फेवरेट चेस प्लेयर है एलेक्साइन एलेक्जेंडर। मैं चाहती हूँ कि मैं विश्वनाथ आनंद से मिलूं। अर्शिया अंडर 7 में जैसे उसको नेशनल में ब्रॉन्ज मिला था तो इसकी वजह से उसको सिलेक्शन मिला था एशियन और वर्ल्ड के लिए, तो वो एशियन भी खेल चुकी है और वर्ल्ड खेल चुकी है स्पेन में, तो वर्ल्ड में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 13th रैंक मिला था उसको। तो उसके बाद नेशनल स्कूल भी उसने खेला तो वहाँ पर वो नेशनल चैंपियन हो चुकी है, उसके वजह से वो उज्बेकिस्तान गई थी एशियन स्कूल खेलने के लिए, वहाँ से उसको एशियन में एशिया से एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज उसको मिला था। पेरेंट्स बहुत खुश है, प्राउड भी है, और मतलब क्योंकि ये एक जर्नी है और बहुत लॉन्ग जाना है, ऐसा नहीं कि अभी हो गया इतनी मिल गया तो और कुछ नहीं, पर तो क्योंकि हम लोग को जाना है तो ऑल टाइम हम लोग को हार्डवर्क करना होगा और उसको मोटिवेटेड करना होगा, और ज़्यादा प्राउड नहीं होना चाहती क्योंकि बहुत लॉन्ग जाना है हमको। चेस से लेकर जिम्नास्टिक तक, खेल चाहे कोई भी हो, दीपा कर्माकर आज हर उभरते खिलाड़ी के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। किसे पता आने वाले वक्त में इनमें से एक नहीं अनेक दीपा निकले।